जेसीआर शिवपुरी स्वर्णा के द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन जेसी प्रियंका शिवहरे जोन डायरेक्टर एसएमए के निज निवास पर किया गया। इसमें पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इसमें अध्यक्ष आशु अग्रवाल के द्वारा कहा गया कि पीड़ित शोषित असहाय व्यक्तियों की आवाज बुलंद करने वाले सभी पत्रकार बंधुओं का हम आभार व्यक्त करते हैं। और जेसी प्रियंका शिवहरे के द्वारा कहा गया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सशक्त करते हुए देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं उन सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगी जो निरंतर अपनी पत्रकारिता से देश और सरकार को जागरूक करते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं ने अपने विचार व्यक्त किए और जेसीआई शिवपुरी स्वर्णा की सराहना भी की और आगे इसी तरह निरंतर काम करते रहें, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। जेसीआई शिवपुरी स्वर्णा के द्वारा सैमुअल दास पत्रकारिता ब्यूरो चीफ और श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष राजू यादव, फास्ट समाचार से अजय राज सक्सेना, दैनिक जागरण से नेपाल सिंह बघेल, पुष्पांजलि टुडे ब्यूरो चीफ अनिल कुशवाहा, जनक सिंह रावत, सुदर्शन टुडे से रानू लोधी, राजधानी तक से आरती जैन को सम्मानित किया गया। इसमें जोन डायरेक्टर एसएमए जेसी प्रियंका शिवहरे, अध्यक्ष जेसी आशु अग्रवाल, सचिव जेसी रश्मि गोयल, जेसी रिजवाना खान, जेसी तनुजा गर्ग, जेसी अंजना अग्रवाल, जेसी रुचि मंगल, संध्या अग्रवाल, नीतू जैन और समस्त सदस्य उपस्थित थे। आखिरी में जेसी रश्मि गोयल के द्वारा सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त किया। इसमें प्रियंका शिवहरे और नीतू जैन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, हमने सम्मान की बात कही है, सम्मान कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन प्रोत्साहन आवश्यक है और यह एक प्रोत्साहन है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, आपने हमें याद किया, हम पत्रकारों का मान बढ़ाया, समस्त पत्रकारों का मान बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मैं राजू यादव बल आप सबके बीच आई हूँ, मैं ही मीडिया प्रभारी हूँ, लगा रहता हूँ, धन्यवाद। पत्रकारिता पत्रकार को शुभकामना का काम और आपने धरातल पर हम कुछ एक पत्रकारों को बुलाकर सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आर्मी ने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया और बहुत अच्छा लगा जब हमारा सम्मान हुआ। सभी लोगों ने, मेरे आदरणीय बड़े भाइयों ने जो सबने बता दिया कि पत्रकारिता के बारे में क्या है क्या चाहिए, और अब मैं भी चाहता हूँ कि आप जो समाज सेवा कर रही है वो और भी बढ़कर और भी अन्य चीज़ों में भी हिस्सा लें, जैसे हमारी नगर पालिका में भी हिस्सा लें, अन्य वार्डों में आप अपना तालक देता है, एक गली इनको भी थोड़ा सा साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर, आपने जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास लगातार चल रहा है, इसकी बहुत बहुत बधाई, इसको हर बार तक लेना है, जेसीआई मजबूत हो। और मैं अपने बारे में बता दूँ, पत्रकारिता प्रिंट में नहीं करता हूँ, प्रदीप फिजिक करता हूँ, मतलब प्राप्त वगैरह करता हूँ, मैडम जानते हैं, वैसे मैं टीचर हूँ और पुरानी पेंशन की लड़ाई कर रहा हूँ, उसका राष्ट्रीय सहयोग देती हूँ, धन्यवाद। और मेरा आपका मानना है कि आपकी जो संस्था है इतने में समाज से भी काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने शहर की समस्याओं को लेकर भी अगर आप लोग थोड़ा उतना एक्टिव रहें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखे होंगे 12-13 साल हो गए सिंध प्रोजेक्ट है ना, क्योंकि तो मुझे नहीं लगता कि शायद 100% जमी घरों में पानी आ पा रहा होगा। सीवर प्रोजेक्ट ने पूरे शहर को खोल दिया, तमा के मरीज बढ़ गए हमारे यहाँ, और उसके बाद भी सीवर प्रोजेक्ट शायद होगा कि हर कोई कह रहा है पास होगा, कोई नहीं कह रहा है, 110 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। तो थोड़ा सा अगर हम लोग अपने शहर की समस्याओं को लेके भी आपका अगर संस्थान कुछ आगे आएगा शहर में अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग भी सीधे किसी के लिए लिख नहीं सकते, हमें भी किसी कंधे की जरूरत होती है, अगर आपकी संस्था ऐसा कंधा बनेगी तो हमें ओके थैंक यू। इस सम्मान योग्य समझा और हम लोगों का सम्मान किया, बाकी पत्रकारिता के बारे में मेरे से सीनियर पत्रकार सभी लोग बैठे हुए हैं, बहुत कम समय हुआ है मुझे पत्रकारिता में, अभी 6-7 साल ही हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7 साल हुए लगभग, लेकिन शहर ने आप लोगों के सहयोग से आज जिस स्तंभ को मैंने मतलब एक सोशल मीडिया का एक छोटा सा रूप स्थापित किया था फास्ट समाचार के नाम से, आज वो अपने आप में एक शहर में एक स्थान उसने बना लिया है बहुत कम समय में, और सोशल मीडिया ने एकदम ग्रो भी किया है। आपकी आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया का जो एकदम ग्रो हुआ है कोरोना काल के बाद, कोरोना काल के साथ और कोरोना काल के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
थैंक यू।